बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तान क्रिकेट न्यूज़। आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि मोहम्मद आमिर ने सवाल किया कि वो ट्विटर पर ट्रेंड क्यों कर रहे हैं। साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर हफ्ते को ट्विटर पर ख़ुद को ट्रेंड करते हुए देखकर हैरान रह गए। शाहीन शाह आफरीदी के T20 एशिया कप 2022 के लिए कौमी टीम से बाहर किए जाने के बाद पाकिस्तानी शायकीन ने आमिर को उनके मुतबादिल के लिए तजवीज़ करना शुरू कर दिया। 2020 में रिटायरमेंट लेने वाले आमिर ने ट्विटर ट्रेंड पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए पूछा कि क्यों मैं ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा हूँ। जवाब में बहुत से लोगों ने उनसे रिटायरमेंट वापस लेने और शाहीन की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान टीम में शामिल होने को कहा। 2020 में आमिर ने उस वक्त के पाकिस्तानी टीम के हेड कोच मिसबाह हक और बॉलिंग कोच वकार यूनस के साथ इख्तलाफात की वजह से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। तेज़ गेंदबाज ने कोचिस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। इस वक्त आमिर कश्मीर प्रीमियर लीग KPL सीज़न 2 में रावलाकोट हॉक्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसने अब तक 3 मैचों में 96 रन देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल की है। ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।